आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी स्टोरीज हमेशा मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास मेरी पहली वीडियो स्टोरी लेकर आया हूं जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए हम और आप मिलकर देखते हैं आखिर हुआ क्या था उस रात एक कॉलेज हॉस्टल में एक लड़के के साथ। तो चलिए देखते हैं हॉरर नाइट्स में। यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज के कैंपस में हुई घटना के बारे में है दोस्तों। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने की कई सारे किस्से सुनाई मिल रहे हैं। इसी एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ दोस्तों। गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही अजीब घटना है। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिनों पहले एक रात जब मैं सो रहा था, अचानक जोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। पता नहीं वो आवाज़ें किसकी थी दोस्तों, और उसी आवाज़ के कारण मैं जाग उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़कियां दरवाज़ा आवाज़ कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैंने दूसरी ही दिन बाद इस बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण ने आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इस रूम में घूम रही है और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की है। दोस्तों यही पे अपना एपिसोड ख़त्म होता है फर्स्ट, और हम अगला देखते हैं एपिसोड नंबर 2 में। इसे कंटिन्यू करेंगे हम, इस हॉस्टल में आखिर में क्या हुआ।